स्वागत है। पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। झारखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय नागपुरी गायक पद्मश्री से सम्मानित मधु मंसूरी हंसमुख जी से एक विशेष भेंट में पद्मश्री मिलने पर अपना उद्गार व्यक्त करते हुए, बहुत खुश और मैं व्यक्तिगत से ज्यादा खुश इस बात से हो कि हमको झारखंड का आदमी इतना प्यार दिया कि आज यहाँ पहुँचा दिया। सारे समाज के लोग इतना प्यार दिया है कि कुछ बात को बोलने से लोग कहेगा कि बनावटी बात बोल रहा है, लेकिन उसको मैं जानता हूँ। बहुत खुश हूँ। इस सम्मान को हम अपने पिताजी अब्दुल रहमान और झारखंड के जितने लोग हैं उनके नाम। एक बार इतिहास में पढ़ा था कि तानसेन जब गीत गाता था तो जंगली हिरण झूमते हुए आ जाते थे और तानसेन अपनी गले की हार उतार के उनको पहना देता था, और तानसेन की गायन वादन बंद हुई तो हिरण पुनः लौट के जंगल की ओर चला गया। ऐसा इतिहास में पढ़ा था। उनको तो मैं कुछ बोलने की औकात नहीं रखता, लेकिन हम अपनी सांस्कृतिक मंच में जो देखा है वह बात बहुत बड़ी बड़ी है, और उसके लिए हमारे झारखंड के लोग जो प्यार दिया उस बात का मैं बहुत एहसानमंद हूँ। कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी लोग जो प्यार दिया है उसका मैं एहसानमंद हूँ। 1982 से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद झारखंड शाखा रातू जो हमको तराशा है, सहयोग किया है, उस बात को भी हम नहीं भुला सकते हैं डॉक्टर लक्ष्मण राव को। और अभी हाल के दिनों में मारुति मंगल परिवार एक बड़ा गैदरिंग करके जो हमको सम्मानित किया है, भेंट में तलवार दिया है और भेंट में गुलाब भी दिया है, दोनों चीज दिया है, तो मैं उनका भी एहसानमंद हूँ। छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ ईश्वरी प्रसाद जो हम सोचते हैं बहुत पुराना, मैंने सबसे पहला सांस्कृतिक NGO है, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। इस सबको भुलाया नहीं जा सकता है। सोशल मीडिया वालों को हम कितना धन्यवाद भेजेंगे बहुत कम है। 21 अक्टूबर 1974 से लेके आज तक सोशल मीडिया वाला सारा पेपर बहुत हमारा सहयोग किया है। इसमें भी एक मेरिट होता है, उसमें प्रभात खबर जिस दिन उदय हो रहा था उस दिन मैं था, और आज तक वो मेरे बारे, मेरा हित का बारे सोचता ही रहता है और प्रकाशित करते रहते हैं। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, भारत सरकार का एक संस्था है आकाशवाणी, जिस दिन रांची में आकाशवाणी का जन्म हो रहा था उस दिन भी हम सामने मासूम बच्चे के रूप में थे, और आकाशवाणी हमको 159 को प्रोग्राम अपना रांची आकाशवाणी से करने के अवसर दिया। जिस दिन यहाँ पर दूरदर्शन 1984 में जन्म ले रहा था उस दिन भी मेरा खोज हुआ था। मैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा और एक और आदमी थे सम्मुकुल जी, ये सारे लोग, इन सारे लोग का हम बहुत एहसानमंद हैं। मेरा नाम राम लखन गोप है। मैं 1997 में नागपुरी में रांची यूनिवर्सिटी रांची से नागपुरी में MA किया। उसके बाद में अभी फिलहाल 1998 से लाल मोहन नाथ साहदेव मेमोरियल महाविद्यालय इटकी में नागपुरी प्राध्यापक हूँ, और इनके साथ मैं 300 से 400 स्टेजों में नागपुरी कार्यक्रम का प्रस्तुति कर चुका हूँ। तो हम लोग को बहुत आभार है, खुशी महसूस कर रहे हैं कि मंसूरी जी को ये पद्मश्री की उपाधि जो मिली है, पद्मश्री झारखंड सरकार ने दिया है, ये बहुत अहोभाग्य की बात है। इनका बहुत सारे प्रसिद्ध गाना हैं। पहला गाना नागपुर कर कोरा, उसके बाद डुमबारी बुरु बोली सुन अब जेखन खान खोली, उसके बाद और सारे बहुत सारे गाने हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन के, झारखंड
आंदोलन अलग राज्य के रूप में बहुत ऐसा ख्याति प्राप्त किए हैं, बहुत सारे गीत हैं। तो माननीय मधु मंसूरी हंसमुख जी को झारखंड सरकार ने जो पद्मश्री से विभूषित किया है, उसके लिए हम लोग नागपुरी समाज, नागपुरी के तमाम कवि कलाकार, नागपुरी के विधि बुद्धिजीवी मंच के जितने भी साहित्यकार हैं, हम लोग तरफ से माननीय मधु मंसूरी जी को तहे तहे दिल से धन्यवाद है। माननीय मधु मंसूरी हंसमुख जी हैं जो हैं, वे पद्मश्री के हकदार थे और अभी भी हैं। और अभी फिलहाल माननीय मधु मंसूरी हंसमुख जी को पद्मश्री की उपाधि मिली है, पद्मश्री मिला है, उसके लिए हम लोग सब पूरे झारखंडवासी गौरवान्वित हैं। मधु मंसूरी हंसमुख एक बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। इन्होंने झारखंड आंदोलन में ऐसे ऐसे गीत गाया है, उसको नागपुरी समाज विधिवत रूप से देख रहा है। मेरा नाम जहीर मंसूरी, पिता का नाम स्वर्गीय शहामत अली, ग्राम कोर्ट सिमलिया, थाना रातू, जिला रांची, झारखंड का रहने वाला हूँ। और मैं रात सिमलिया अंजुमन के सदर भी हूँ 10 साल से, और कांग्रेस प्रदेश कमेटी OBC के महासचिव भी हूँ। ये सम्मानित जो मधु मंसूरी जी को सम्मानित किया गया है, हम देश का सरकार को और झारखंड के सरकार को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। भारत सरकार इसका बधाई का पात्र है। चूंकि ये सम्मान तो हमको बहुत पहले इनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन सम्मान मिलने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। इसके लिए हम लोग पूरे ग्रामवासी, पूरे रातूवासी और पूरे प्रदेश के जितने भी लोग हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद देते हैं। और हम हमारे बड़े भाई, ममेरा भाई जो मधु मंसूरी जी हैं, इनको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और इनके पूरे परिवार को जो इन्होंने झारखंड को एक विश्व के पटल में ला के खड़ा कर दिया। झारखंड आंदोलन इनकी रागनी से निकला और झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ, और इनका संघर्ष, इनका बलिदान, इनका जो त्याग आज हम सब रातूवासी सिमलियावासी को मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से भारत सरकार, झारखंड सरकार को मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।